भोपाल में 9 साल की मासूम से रेप और हत्या के आरोपी विष्णु को भोपाल की विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। विष्णु ने 8 जून को मांडवा बस्ती से मासूम को अगवा कर दुष्कर्म किया था और गुनाह छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 10 जून को आरोपी को खंडवा के पास मोरटक्का से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने 17 जून को 108 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया। 32 दिन के ट्रायल के बाद कोर्ट ने दोषी विष्णु को फांसी की सजा सुनाई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है, यानी कि स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, पूरी तरह से किस तरह से ये कार्रवाई चली? बिल्कुल श्रीकांत, बताना चाहूंगा। कमला नगर थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। इसमें 24 घंटे के अंदर विष्णु को गिरफ्तार किया पुलिस ने। यह आरोपी विष्णु है जिसने 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया था, जिसको आज कुमुदिनी पटेल की विशेष अदालत में फैसला सुनाया गया, फांसी की सजा इसको सुनाई गई है। पुलिस ने 108 पन्नों का चालान इसके 17 जून को पेश किया था और दावा किया था कि इसको एक महीने के अंदर सजा दिलवाई जाएगी। वहीं 32 दिन में पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी, वो पूरी जितने रिपोर्ट थी FSL रिपोर्ट के आधार पर इसको फांसी की सजा दिलवाई गई है। जो मेडिकल रिपोर्ट, इससे पहले जब विष्णु की पेशी हुई थी, उसमें विष्णु ने कहा था मैं कि दोषी हूं, मुझको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जब बाद में मुजरिम बयान हुए, उसमें आरोपी विष्णु है जो वो पलट गया। उसका साफ तौर कहना था मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मुझे फांसी की सजा नहीं सुनाई जाए, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने ऐसा गंदा घिनौना काम नहीं किया। वहीं कुमुदिनी पटेल की विशेष अदालत में आरोपी विष्णु को कल FSL रिपोर्ट और जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आज फांसी की सजा सुनाई गई है। और जब इनके परिवार वालों से, बच्ची के परिवार वालों से इस मामले में आज बात की गई तो वो काफी खुश है। उनका कहना है हमें न्याय मिल गया है, अब फांसी की सजा कब होती है, ये फांसी कब होती है देखने के बाद होगी, क्योंकि 28 से 39 इस करीब मध्य प्रदेश में अभी फांसी के हो चुके हैं, लेकिन अभी किसी को फांसी नहीं हुई है। जी श्रीकांत। रिजवान, इस बच्ची की उम्र क्या थी? श्रीकांत, बच्ची की उम्र करीब 9 साल बताई जा रही थी। ठीक है, तो 900 तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी धारा लगी थी आरोपी के ऊपर? जी बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई थी और जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने 108 बनने का जो चालान पेश किया था, इसमें 30 से 31 गवाह भी थे, उनके बयान भी लिए गए थे। उनके बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, एफिडेविट रिपोर्ट के आधार पर इसको सजा सुनाई गई है। जी श्रीकांत, बिल्कुल। रिजवान, एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से आरोपी ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की और बच्ची की हत्या कर दी गई, तो कैसे पुलिस ने परत दर परत इस गुत्थी को सुलझाया है? बिल्कुल श्रीकांत, जब बच्ची की शुरू से बताना चाहूँ, जब बच्ची घूमी तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करी और जब पास में बच्ची की लाश मिली, उसके बाद ही पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने की कोशिश करी थी। 24 घंटे के अंदर विष्णु गिरफ्तार करा था और वहीं दूसरी तरफ 30 दिन के एक महीने के अंदर सजा दिलाने की बात कही थी और जो 108 चालानों का चालान पेश करा था, 30 गवाहों के आधार पर इसको फांसी की सजा सुनाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी के लिए।